हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने हैलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे जो हैलोअल्केन प्रॉपर्टीज शो करती हैं, एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखाती हैं। हमने अपने प्रीवियस कि जो केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स होते हैं, जो हैलोअल्केन्स होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के प्रक्रिया करेंगे? 4 टाइप की करेंगे। एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी 2 टाइप की होती है, SN1 और SN2, जिसका वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 टाइप की होंगी, एक होगी E1 और दूसरी होगी E2। और फिर उसके बाद हम लोग रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे और रिएक्शन विथ मेटल्स देखेंगे। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में समझेंगे, क्या एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं और क्या इसकी कैसे ये होंगी, और अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा रिएक्टेंट होना चाहिए, कहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। इन सभी सवालों का जवाब आइए ढूंढते हैं अपने इस वीडियो में। एलिमिनेशन क्या होता है कि किसी रासायनिक या कार्बनिक यौगिक में से क्या हो कि उसमें से परमाणु या ग्रुप के समूह को निकाल दिया जाए। उसमें से निकालना ही क्या होता है, उसका विलोपन होता है। विलोपन मतलब कोई आपके पास यौगिक है, उसमें से कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स बनाने के लिए उसमें से क्या हो कि कुछ परमाणु और या कुछ समूह उसमें से निकाल दिए जाएं, वो क्या होगा, हमारा विलोपन होगा। क्लियर? अब विलोपन अब क्रियाएं आपके पास क्या होती हैं और इसे कैसे होंगी, इसको समझने से पहले हम थोड़ी एक अलग चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। अल्फा कार्बन परमाणु और बीटा कार्बन परमाणु के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जो है बातें करेंगे। देखिए अल्फा कार्बन परमाणु क्या होता है, सॉरी मार्कर चेंज कर लें। अल्फा कार्बन परमाणु देखो अल्फा कार्बन आइटम्स ये होता है कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, वह कार्बन जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो या उस कार्बन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो। अगर वह कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो पार्टिकुलर कार्बन क्या होगा, आपका अल्फा कार्बन के काउंट में किया जाएगा और उसका जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड दिया गया है CH3CH2OH, ये कंपाउंड दिया गया है। अब देखिए अगर इस कंपाउंड को हम समझने की कोशिश करें तो ये OH समूह किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, इस कार्बन परमाणु से, तो इसको क्या बोलेंगे, ये अल्फा कार्बन बोलेंगे। ये क्या बोला जाएगा, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? और जो इसके इस अल्फा कार्बन के जस्ट पड़ोस वाला नेबरिंग कार्बन ऑफ अल्फा कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। और इसका जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। क्लियर? एलिमिनेशन को समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी था कि क्या अल्फा कार्बन होता है, क्या बीटा कार्बन होता है, और अगर इस बीटा कार्बन का भी कोई पड़ोसी कार्बन होता है तो उसे गामा कार्बन बोल देते हैं। क्लियर? और उसका पड़ोसी है तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा से ही मतलब है, बाकी ज़्यादा एलिमिनेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर? तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्कोहल शो करता है और एल्किल हैलाइड शो करता है। एल्कोहल और एल्किल हैलाइड दोनों ही एलिमिनेशन विलोपन क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एलिमिनेट करके, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन बनाते हैं। दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमिनेशन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। एल्कोहल जब एलिमिनेशन करता है तो इसको, इस रिएक्शन को बोलेंगे डिहाइड्रेशन। और जब एल्किल हैलाइड रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन करता है तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्लियर। एल्किल हैलाइड के विलोपन अब क्रिया जब करती है तो उसको बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और वहीं पर जब एल्कोहल जो है मतलब विलोपन अब क्रिया करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। इसमें से वाटर निर्जलीकरण, इसमें से वाटर निकलेगा। क्लियर। इसमें से जो रिमूव कंपाउंड होगा वो वाटर होगा जब एल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, और जब एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा तो इसमें से रिमूव कंपाउंड कोई आपके पास हैलाइड एसिड होगा। क्लियर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एल्कीन यहाँ पर भी बनेगा और एल्कीन यहाँ पर भी बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? एल्कीन। क्लियर। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि एल्कोहल और एल्किल हैलाइड ही जो होता है वो दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे। क्लियर। और आज के इस वीडियो में हम एल्कोहल, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर एल्कोहल नहीं चल रहा, तो हम सिर्फ एल्किल हैलाइड के एलिमिनेशन रिएक्शन पर चर्चा करेंगे, और फिर जब एल्कोहल चालू होगा तो हम उस पर देखेंगे। कुल मिला के आज के इस वीडियो में हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करने वाले हैं। एल्किल हैलाइड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करके क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा, और कोई आपके पास एसिड बनाएगा जो हैलोजन एसिड होगा। क्लियर। चलिए चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर। अब देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होंगी वो दो टाइप की होंगी। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होंगी वो दो टाइप की होंगी, एक तो E1 होगा और दूसरा E2 होगा। क्लियर। एक E1 है, दूसरा E2 है। जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 होता था। यहाँ पर E1 का मतलब क्या है? एलिमिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, E का मतलब एलिमिनेशन, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर। 1 का मतलब क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर। और ऐसे ही यहाँ पर E2 में E का मतलब हो जाएगा एलिमिनेशन, 2 का मतलब क्या हो जाएगा? बायमॉलिक्यूलर। क्या हो जाएगा? बायमॉलिक्यूलर। क्लियर। अब यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब और बायमॉलिक्यूलर कैसे डिसाइड किया गया? देखो, यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए वर्ड यूज किया जाएगा, ये हम देखेंगे कि जो हमारे पास रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड की एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका जो रेट होगा वो कितने रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। अगर एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा तो यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाएगा। और अगर दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर, मतलब दो रिएक्टेंट की मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंड कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? बायमॉलिक्यूलर बोला जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, मतलब E1 रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। एकल अणु विलोपन अब क्रिया। क्लियर। अब E1 रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, याद रखेंगे। पहली बात, ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। कितने स्टेपों में कंप्लीट होगी? 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। और पहले स्टेप में जो होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। दूसरे स्टेप में ये समझ लीजिए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए जाए, या फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बोल सकते हैं, एल्कीन। और ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखनी है ये बात कि ये जो रिएक्शंस होगी ये कोई वीक बेस के प्रेजेंस में होगी, मतलब यहाँ पर दुर्बल क्षार लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, मेथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल वाटर। और कैसा होना चाहिए यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया जाएगा वो कैसा होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। क्लियर। और जो इस रिएक्शन की ऑर्डर होगी वो कितनी होगी, वो 1 होगी। वो तो भी इसके मैकेनिज्म में देख लेंगे। क्लियर। ये बात याद रखना है कि ये जो रिएक्शंस होगी वो 2 स्टेपों में होगी। इसमें कार्बोकैटायन बनेगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में एल्किन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा दूसरे स्टेप। फिर इसके बाद और बात याद रखनी है कि कौन से हम ये वीक बेस हैं, ये क्या है, वीक बेस। वाटर ले लेना या मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल। और ध्यान रखना ये जो रिएक्शंस होती है ये कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक होती है। चाहे E1 हो या E2 हो, ये दोनों रिएक्शंस कैसी होंगी, एंडोथर्मिक होंगी। और ये ग्रेटर देन 50-100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है, मतलब इनको टेम्परेचर हाई चाहिए। क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। जैसे देखो हमारे पास क्या हुआ कि कोई एल्किल हैलाइड है, एक्स लगा हुआ है और ये एल्किल हैलाइड है। ठीक, अब यहां पर ये वीक बेस होगा, कोई वीक बेस के प्रेजेंस में देखिए क्या होगा। ये हमारे पास अल्फा कार्बन परमाणु और यहां पर बीटा कार्बन परमाणु। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो है एक्स जाएगा और इसका जो है एक हाइड्रोजन जाएगा। इस वाले कार्बन का जो एक्स है, मतलब कोई हैलोजन एलिमेंट लगा होगा, वो बाहर हो जाएगा और बीटा वाले कार्बन परमाणु का क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर एक बॉन्ड यहाँ से क्या यहाँ, तो ये दोनों क्या करेंगे, ड्यूअल बॉन्ड बना लेंगे। और इसका कंपाउंड कुछ इस तरीके से CH2 बन जाएगा और क्या हो जाएगा, HX मान के चलिए आपका बाहर हो जाएगा। और ये आपको क्या मिल गया, एल्कीन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्लियर। और ध्यान रखना, आप देखो अगर इस एलिमिनेशन की बात करें, इसमें कैसा एलिमिनेशन हुआ है, अल्फा है और ये बीटा है। तो कैसा एलिमिनेशन हुआ है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ है। कैसा एलिमिनेशन हुआ है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्लियर। बात समझ पाए। यहां पर कैसा एलिमिनेशन हुआ होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, क्योंकि अल्फा से कार्बन परमाणु एलिमिनेट हुआ है और एक कार्बन परमाणु बीटा, मतलब सॉरी, एक परमाणु जो है अल्फा कार्बन परमाणु से एलिमिनेट हुआ है और दूसरा परमाणु जो है बीटा कार्बन परमाणु से एलिमिनेट हुआ है। तो इसी को क्या बोला जाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेट। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर गौर से देखा जाए सही से, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है और एक सिग्मा बॉन्ड, जैसे यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहा होगा यहाँ पर, तो इधर 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हुए हैं, ब्रेक हुए हैं। ठीक। और इधर क्या हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड तो इनके बीच बना है और एक जो है पाई बॉन्ड बना है। तो मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड जो है फॉर्म हुए हैं। क्लियर। मतलब क्या हुआ इसमें कि एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड जो है बना है। तो इसीलिए क्या रिएक्शंस हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। मतलब यहाँ से एक साइड से एनर्जी रिलीज कम होगी, दूसरी साइड से एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। क्लियर। इधर रिलीज कम होगी और इधर एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। इसका मतलब इस रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसको और एनर्जी चाहिए। क्लियर। तो इसीलिए कैसी रिएक्शंस हो जाएगी, एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी। कैसी रिएक्शन होगी ये, ऊष्मा शोषी। इसके मतलब फिर से एक बार समझ लिया कि यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, जितनी एनर्जी है ब्रेकिंग के दौरान रिलीज करेंगे उससे ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ले ली जाएगी। इसका मतलब एनर्जी रिलीज इधर से कम हो रही है और इधर से ली ज़्यादा जा रही है एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए और एनर्जी और हीट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी रिएक्शन। क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन जो होता है 2 तरीके से होता है, एक अल्फा बीटा हो सकता है और एक अल्फा गामा एलिमिनेशन हो सकता है। पहले इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं, फिर अल्फा गामा एलिमिनेशन के बारे में भी बाद में बात करेंगे। क्लियर। जैसे हमारे पास ये जो रिएक्शंस थी कुल मिला के ये थी, और फिर एलिमिनेशन जब हुआ था तो क्या हुआ था, RCH डुअल बॉन्ड CH2 और ये HX ये बन गया था। अब आइए हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म स्टेप 1 को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या हुआ है, जो कार्बोकैटायन है उसका निर्माण हुआ होगा। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। जैसे आपके पास ये कोई एल्किल हैलाइड है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि आपको पता है यहाँ पे बॉन्ड एक ब्रेक होगा क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो आप बताइए इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हैलोजन एलिमेंट है वो कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि अब ये बॉन्ड इधर ये हैलोजन एलिमेंट ले लेगा तो प्लस चार्ज किस पर आ जाएगा, कार्बन पर आ जाएगा। क्लियर। और ये जो है बॉन्ड ब्रेक होकर माइनस। क्लियर। अब देखो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है, कार्बोकैटायन। क्लियर। अब हम इसके सेकंड स्टेप में देखने करते हैं, इसका जो स्टेप सेकंड है वो क्या बोल रहा है। अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये आपके पास था RCH+ और क्या हो जाएगा CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो OH- आएगा ये किसका होगा, वीक बेस का होगा। किसका होगा, वीक बेस का होगा। अब ये ऑब्वियस सी बात है कहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा, ये अटैक करेगा क्योंकि ये यहाँ पर, और इससे क्या ये हो जाएगा, वीक बेस के प्रेजेंस में ये बाहर हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बना लेगा, यहाँ पर अटैक करने के बाद ये देखो कुछ इस तरीके से बना लेगा, डबल बॉन्ड CH, और ये आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर ये क्या होगा, इसके साथ मिलकर ये वाटर बना के बाहर हो जाएगा H2। क्लियर। ये देखिए हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। फिर से देखते हैं, यहाँ पर जो कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो मेन टर्म्स निकल कर आए क्या निकल, इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होगा, कार्बोकैटायन। इसका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो क्या है, कार्बोकैटायन है। अब आपको पता है अगर कार्बोकैटायन है तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब ये रिएक्शन उतनी ही तेज फास्ट होगी या उतनी ही इजीली होगी या इसकी फेवरेबल कंडीशन उतनी ही अच्छी होगी जितना अच्छा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। और कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड 5 डिग्री। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि हेलो मतलब एल्किल हैलाइड जो है एलिमिनेशन रिएक्शन 3 डिग्री की एल्किल हैलाइड होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन इजीली दिखा देगी। क्लियर। और दूसरी बात, आपने रिएक्शन में देखा होगा कि यहाँ पर जो हैलोजन है ये लीव कर रहा है, लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन फास्ट कब होगी, जब यहाँ पर हैलोजन जितना इजीली लिविंग ग्रुप लगा हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे इजीली लिविंग ग्रुप कौन हो जाएगा, यहाँ पर जो रेट होगी वो किस बात पर डिपेंड कर रहा होगा, इजीली लिविंग ग्रुप। अब इजीली लिविंग ग्रुप की बात कर दी जाए तो सबसे ज्यादा इजीली लिविंग ग्रुप कौन है, आई माइनस। क्लियर। इतना कंक्लूजन निकल आया हमारे पास। क्या हुआ कि आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस, अगर आई माइनस सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, वहाँ पर रिएक्शन जो होगी सबसे जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी फेवरेबल कंडीशन है। बात समझ पाए। और इस रिएक्शन के अगर हम रेट की बात करें, अगर रेट जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है इसके कंसंट्रेशन पर, क्योंकि यहाँ पर आपने जो अदर लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, वीक बेस लिया हुआ है। वो क्या लिया हुआ है, वीक बेस लिया, और वीक बेस इसका कंसंट्रेशन कोई भी इम्पैक्ट इस रिएक्शन की रेट पर नहीं डालेगा। मतलब वीक बेस की सांद्रता इवन रिएक्शंस की रेट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। क्लियर। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, यूनिमॉलिकुलर। यूनिमॉलिकुलर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एलिमिनेशन हो रहा है उसकी जो क्रिया की दर होगी वो सिर्फ एक अणु पर डिपेंड करेगी, और वो होगा एल्किल हैलाइड। क्लियर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमारे पास क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हो, और यहाँ पर इसे मेथिल अल्कोहल 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया गया हो। क्लियर। 50 डिग्री, तो इसमें से क्या होगा कि एक यहाँ पर, चलिए मान के चलिए थोड़ी देर के लिए हम ब्रोमीन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ब्रोमीन। तो देखो इसमें से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा। आपका कंपाउंड कुछ इस प्रकार बन जाएगा, और HBr इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो इस ये कंपाउंड हमारे पास क्या बन गया, एल्किन बन गया। और इसके नेमिंग की बात कीजिए 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा 1 प्रोपीन। ठीक, और 1 को शो नहीं भी करते हैं IUPAC में। क्लियर। ये कंपाउंड बन गया। बात समझ में आई। इसे यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये देखिए, और ध्यान रखना एलिमिनेशन करते वक्त आप ध्यान रखना, ये आपके पास अल्फा कार्बन हो गया, और ये आपके पास बीटा कार्बन होगा, ये आपके पास बीटा कार्बन हो गया। तो आप चाहे हाइड्रोजन इस बीटा वाले कार्बन से निकालिए, चाहे हाइड्रोजन आप इस बीटा कार्बन से निकालिए, स्ट्रक्चर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम बनकर आएगा। अगर प्रोडक्ट आपका सेम बनकर नहीं आ रहा होता तो फिर वो मिक्सर कंपाउंड बनेगा, जैसे आप अगले एग्जाम्पल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कंपाउंड होता, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई कंपाउंड होता, अब इसका अगर जैसे हमें एलिमिनेशन कराना होता, मान के चलिए ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ आपको टेम्परेचर दे दिया गया, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब जैसे इसका अगर हमें एलिमिनेशन कराना होता तो हमारे पास ये क्या है, अल्फा कार्बन परमाणु है, बीटा कार्बन परमाणु ये है, और बीटा कार्बन परमाणु ये है। चलिए, तो इसका कितनी इसमें एल्किन बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी। क्योंकि जब यहाँ से कंपाउंड निकालेंगे, मतलब यहाँ से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, और यहाँ से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो दूसरा कंपाउंड बनेगा। आइए देखते हैं CH3 मैंने इस बार इस वाले बीटा कार्बन से निकाला है हाइड्रोजन CH3 डुअल बॉन्ड और ये CH और ये CH3 हो जाएगा। और दूसरा क्या बन सकता है इस वाले अगर इससे निकालो तो ये हो जाएगा दूसरा क्लियर, ये दूसरा कंपाउंड बन गया। आपके पास दो कंपाउंड बनेंगे इसमें दो एल्किन बनेंगे क्लियर। अगर बीटा कार्बन परमाणुओं के हाइड्रोजन निकालने से कंपाउंड अगर बदल रहा है तो फिर जितने कंपाउंड बनेंगे आपको उतने सारे लिखने पड़ेंगे। ये क्या होगा, इन दोनों कंपाउंडों का मिक्सचर प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है, हमको ये जानने की जरूरत है कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा क्लियर। इसमें भी हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, कौन सा कंपाउंड मेजर होगा और कौन सा कंपाउंड माइनर होगा। आइए चलिए देखते हैं। मेजर और माइनर जानने के लिए एक सेटजैफ रूल होता है। सेटजैफ साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि वह एल्कीन ज़्यादा मतलब उत्पाद देगी जिसमें बीटा हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा हो। हालांकि कुछ बुकों में ये बताया गया है अल्फ़ा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अल्फ़ा हम उस कार्बन को प्रेजेंट करेंगे जो जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, तो जो उसका साइड वाला कार्बन हो उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेटजैफ के अकॉर्डिंग मतलब बीटा हाइड्रोजन परमाणु जिस कंपाउंड जिस एल्किन के ज़्यादा होंगे वह एल्किन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। आइए चेक करते हैं इस पर कि इसमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन परमाणु हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन परमाणु हो जाएगा। अब इसका पड़ोसी ये है तो ये बीटा हाइड्रोजन मतलब बीटा कार्बन परमाणु हो जाएगा। इसका पड़ोसी ये है, ये भी बीटा हो जाएगा और ये भी बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन की बात की जाए, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है, टोटल कितने हैं 9 बीटा हाइड्रोजन पहले वाले कंपाउंड के पास है। और दूसरे कार्बन पास ये अल्फा कार्बन परमाणु है, ये भी अल्फा कार्बन परमाणु है, इस वाले जस्ट इसका पड़ोसी ये है बीटा। तो एक्चुअल में यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ एक बीटा हाइड्रोजन है। कितना है, सिर्फ एक बीटा हाइड्रोजन है क्लियर। तो इसका मतलब क्या, जो ऊपर वाला प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कम हो सॉरी मतलब कम स्टेबल होगा या माइनर होगा। ये मेजर होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा क्लियर। उन्होंने ये बताया था कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु जिस एल्किन के पास ज़्यादा होंगे वो स्टेबल होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। जो ज़्यादा स्टेबल होगी वही तो मेजर होगा और जो कम स्टेबल होगी वो माइनर होगा क्लियर। उम्मीद है आप ये बातें समझ पा रहे होंगे क्लियर। ठीक, आइए अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं। E2 एलिमिनेशन। E2 का मतलब क्या हो जाएगा, बाय मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाय मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें क्या होगा, E जो है एलिमिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है ये बायमॉलिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गए थे एलिमिनेशन रिएक्शन 1 में, उस पर थोड़ा याद करिएगा। ये जो पहला स्टेप होगा ये स्लो होगा, ये कैसा स्टेप होगा, स्लो होगा। और ये क्या होगा, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और दूसरा स्टेप इसका क्या होगा, फास्ट होगा क्लियर। इसकी रेट को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो इतना फास्ट होगा। और ये पहला वाला स्टेप स्लो होता है और इसकी जो रेट होगी उसको डिटरमाइन कर दो, तो यही आपकी रिएक्शन को रेट डिटरमाइन जो उसकी रेट होगी वो डिटरमाइन करेगा। अब जो है हम अपने E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए, इसमें भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, ये जो रिएक्शन होगी वह 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 1 स्टेप में होगी। और दूसरी बात याद रखना है, इसमें क्या जो कंपाउंड होगा ट्रांजिशन स्टेट में होगा। क्लियर। और यहाँ पर जो आपको बेस लेना होगा वो कैसा लेना होगा, स्ट्रॉन्ग, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा क्लियर। और जो बात है, इसकी जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और उसका जो रेट होगा वो इस बार एल्किल हैलाइड के कंसनट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही रहा होगा, साथ में जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है उसके कंसनट्रेशन पे भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बायोमोलिकुलर बोला गया। एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, इसीलिए इसको बायोमोलिकुलर बोला गया। दुई अणुक विलोपन अपक्रिया। क्लियर, अब इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और इसकी भी मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड होगा, क्लियर, ये हमारे पास है और इसका जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए। स्ट्रॉन्ग बेस पे आप NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए अल्कोहलिक मीडियम में। क्लियर, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया जाएगा एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाएगा, जैसे आपके पास एथिल अल्कोहल कोई अल्कोहलिक मीडियम में ले लीजिए। क्लियर, आइए हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। फिर ये इसका एलिमिनेशन हो जाएगा और ये CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं, बस बड़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसकी। इसकी मैकेनिज्म अगर देखने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास ये कोई एल्किल हैलाइड है। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा कि यहाँ पर हैलोजन एलिमेंट के निकलने का वेट नहीं करेगा। इवन में क्या हो रहा था, वहाँ पर जो बेस था वो हमारे पास वीक बेस था और वो अटैक तब कर रहा था जब वहाँ से हैलोजन एलिमेंट निकल जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, वेट भी नहीं करेगा, तुरंत अटैक कर देगा। अटैक करते ही कुछ यहाँ पर OH ले लिया जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस का होगा OH-। स्ट्रॉन्ग बेस का अब देखो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा, इसके बीच ये जो है हाइड्रोजन के बीच इसके बीच बॉन्ड टूट रहा होगा और इसके भी बॉन्ड क्या हो रहा होगा, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है बन रहा होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं, ये जो बॉन्ड है बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा। क्लियर, मतलब देखो ये कॉम्प्लेक्स मतलब ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ है कि एकदम से कुछ नहीं होगा। इधर देखो हैलोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और यहाँ पर इसके बीच डबल जब ही ये बॉन्ड इसके बीच ब्रेक होने लगा होगा और इधर इस CH2 और इसके हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तब इनके बीच क्या हो रहा होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होने लग रहा है और इधर H और OH के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसको बोलते हैं बेबी एल्किन। क्या बोलते हैं, बेबी एल्किन ट्रांजिशन स्टेट में है। बेबी एल्किन ये कैसा है, ट्रांजिशन स्टेट में है। क्लियर, अब देखो इसमें क्या होगा, इसके बाद ये बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका होगा, ये वाला भी बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका होगा, ये वाला बॉन्ड पूरी तरीके से बन चुका होगा और ये भी पूरी तरीके से बन चुका होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें आगे ही क्या हो जाएगा, ये कुछ आपके पास और प्लस का ये वाटर निकल जाएगा और ये जो है आपका X- निकल जाएगा और ये आपके पास क्या बन गया, एल्कीन प्राप्त हो गया। क्लियर, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर, इसमें ध्यान रखना है कि इवन में आपने वीक बेस लिया था और यहाँ पर क्या लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाएगा और जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इसके निकलने का वेट नहीं करेगा और तुरंत आक्रमण करेगा। क्लियर, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी और ये हमारे पास क्या था, एलिमिनेशन। और ध्यान रखना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के तरीके से आप क्या ले सकते हो, KOH ले सकते हो या NaOH, एल्कोहलिक मीडियम में लेना है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर। अब कुछ इसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश किया जाए। यहाँ पर ये बेबी एल्किन बना है, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये बेबी एल्किन जितना स्टेबल होगा इस रिएक्शन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। पहली बात, रिएक्शन रेट जो होगी इस एल्किल हैलाइड और इस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों पे डिपेंड करेगी। और बेबी एल्किन जितना स्टेबल होगा इस रिएक्शन की रेट उतनी ही अधिक होगी। और बेबी एल्किन की भी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये जो होगी ये क्या होगी, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर। यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बात समझ पाए। चलिए अब हम इसके अगले पड़ाव पे चलते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा कैटेगराइज पहले उससे कर लें, E1 और E2 को, ये E1 रिएक्शन हो गया और ये E2 रिएक्शन हो गया। अगर इनको हम कैटेगराइज करने की कोशिश कर लें, थोड़ी देर के लिए समराइज करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर वीक बेस लिया जाएगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाएगा, ठीक। और ये यूनिमॉलिकुलर होगा। सबसे पहला तो डिफरेंस यही होना चाहिए था, ये यूनिमॉलिकुलर होगा, ये बायोमॉलिकुलर होगा, क्लियर। और जो इसका रेट होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा, सिर्फ एल्किल हैलाइड पर। और जो इसका रेट होगा वो एल्किल हैलाइड के साथ साथ बेस पर भी डिपेंड कर रहा हो, क्योंकि बेस यहाँ पर स्ट्रांग है। इसका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा था कार्बोकैटायन, और इसका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा था क्या बन रहा था, बेबी एल्कीन। क्लियर। ट्रांजिशन स्टेट की बेबी एल्कीन बन रही थी। और इसकी जो ऑर्डर होगी 1 होगी और E2 की जो ऑर्डर होगी वो 2 होगी। इसमें जो है वीक बेस यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस के तरीके से आप एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, वाटर, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक मीडियम में यूज कर सकते हो। यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसे अल्कोहल को ले लीजिए, वो अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। और यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट, लाइक दैट वाटर। क्लियर। ये मेन बेसिक से डिफरेंस हो गए। और यहाँ पर अगर इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, एल्किल हैलाइड 3 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए और 1 डिग्री होना चाहिए। सेम पैटर्न यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर। और दोनों रिएक्शंस कैसी होंगी, एंडोथर्मिक होंगी। एटलीस्ट इनका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। एंडोथर्मिक इसलिए होंगी क्योंकि हमने बताया था कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, तो 1 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। मतलब रिएक्टेंट में 2 पाई बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तब उधर से प्रोडक्ट में हमको आपको क्या फॉर्म होगा, 1 पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब एनर्जी, रिलीजिंग एनर्जी जो ज़्यादा होगी वो एब्जॉर्ब एनर्जी से कम होगी। मतलब एनर्जी रिलीज कम की जाएगी और एब्जॉर्ब ज़्यादा की जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर। क्या है, हाई टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे ये रिएक्शन की स्पॉन्टेनियसिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, ये रिएक्शन उतनी ही स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आइए अब हम जल्दी से अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आइए देखते हैं उनको। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ मेनी एल्किन्स आर फाउंड बाय E2 एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम 2 bromo 2.3 डाई मेथिल हेक्सेन यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम मेथॉक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस के तरीके से क्या यूज़ करना है, सोडियम मेथॉक्साइड। अब आपको क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये कंपाउंड दिया गया है 2 ब्रोमो 2.3 डाई मेथिल हेक्सेन। ये आपके पास कंपाउंड है और इसका आपको एलिमिनेशन कराना है। एलिमिनेशन कैसा होगा, E2 एलिमिनेशन। और यहाँ पर बता ही दिया गया है स्ट्रॉन्ग बेस है तो जेन्युइन सी बात है E2 एलिमिनेशन होगा। कितने कंपाउंड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कंपाउंड क्या है, 2 ब्रोमो हेक्सेन। देखो इस टाइप के कंपाउंड लिखने के लिए तरीका क्या है, सबसे लास्ट वाला वर्ड पकड़ लीजिए। इसमें क्या है, हेक्सेन है। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, एन लगाओ तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5 और ये इधर। क्लियर, 6 कार्बन हो गए हमारे पास। अब क्या है, 2 ब्रोमो 2,3 डाईमिथिल। देखो दूसरा कार्बन ये ले लो, इस पर ब्रोमीन लगा दो और इस पर ही एक मिथिल ग्रुप लगा दो और एक तीसरे पर मिथिल ग्रुप लगा दो, बात खत्म। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर ये CH हो जाएगा और यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं, ये हो जाएगा क्लियर। अब इसका क्या कराना है हमको, एलिमिनेशन कराना है। एलिमिनेशन कराते वक्त ध्यान रखिएगा। अब देखो किसके प्रेजेंस में, सोडियम मेथॉक्साइड इसके प्रेजेंस में अगर हम इसका एलिमिनेशन कराएंगे तो कितनी एल्किन बन रहे हैं। इसमें देखो सबसे पहली बात, अल्फा कार्बन परमाणु ये है, बीटा कार्बन परमाणु इसके लिए ये हो जाएगा और बीटा कार्बन परमाणु ये हो जाएगा और बीटा कार्बन परमाणु ये भी हो जाएगा, क्लियर भाई। अल्फा का जस्ट साइड वाला जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, बीटा। जस्ट नाइबरिंग कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन परमाणु का नाइबरिंग कार्बन होगा बीटा कार्बन परमाणु। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर इस वाले बीटा कार्बन, मतलब अलग अलग नेम दे दे रहे हैं, बीटा कार्बन परमाणु 1 है और बीटा कार्बन परमाणु 2 है और बीटा कार्बन परमाणु 3 है। अगर देखिए अल्फा, अगर अल्फा और बीटा 1 कार्बन परमाणु से जब हाइड्रोजन निकलेगा तब जो होगा एक प्रकार की एल्कीन, मतलब तब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, जैसे हम आपको लिखकर बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये CH3 CH2 CH2 और ये CH CH3, क्लियर। और यहाँ से इसके बीच निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा C और ये CH3 डुअल बॉन्ड CH2, एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, क्लियर। अगर आप इस अल्फा कार्बन परमाणु और बीटा 2 कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन निकालोगे तब क्या होगा, डुअल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन कंपाउंड तब भी वो सेम रहेगा। भाई अगर यहाँ पर डुअल बॉन्ड होता तब क्या होता, नंबरिंग हम इधर से कर लेते तब भी कंपाउंड हमको सेम ही मिलता, और जब इधर से निकाला जाएगा तब कंपाउंड थोड़ा बदल जाएगा, तब क्या बनकर आएगा CH3 CH2 और क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ से जो है C डबल बॉन्ड, एक तो CH3 इधर हो ही जाएगा, C डबल बॉन्ड C और CH3 और ये CH3, दूसरा कार्बन परमाणु ये बन जाएगा, क्लियर। उम्मीद है आपके बात समझ में आ रही होगी। और ये मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। तो टोटल एल्किन इसमें कितनी मिलेंगी हमको, 2 टोटल एल्किन मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 2। बात समझ गए, इसमें टोटल एल्किन कितनी मिलने वाली है, 2। हालांकि इसमें 3 बीटा कार्बन परमाणु तो जरूर है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 हमको एल्किन मिलेंगे, क्योंकि देखिए जब इस बीटा कार्बन परमाणु 1 से और बीटा कार्बन परमाणु 2 से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो दोनों का कंपाउंड सेम होगा। जैसे इसका चलिए स्ट्रक्चर बना ही दे रहे हैं, ये देखिए CH3 CH2 CH2 और CH CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये C डुअल बॉन्ड CH2 और तब इस बार क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। इसका कंपाउंड ये बन गया। अब आप इस वाले कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड का अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, क्लियर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये बता रहा है हाउ मेनी एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय E2 एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम 3 bromo 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग बेस सच एज ए सोडियम मेथॉक्साइड। जैसा क्वेश्चन पिछला था वैसा ही क्वेश्चन डिक्टो है, इसको आपको हम होमवर्क के तरीके से दे रहे हैं और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बताइएगा इसमें कितनी कितनी एल्किन्स आपको प्राप्त होंगी, क्लियर। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजनेबल फॉर एन एलिमिनेशन रिएक्शन। बताया गया है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए कौन रीजनेबल नहीं है, क्लियर। आइए देखते हैं, हमको देखो रिएक्शंस कराने के लिए क्या लेना चाहिए था, बेस लेना चाहिए था। और बेस की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये सोडियम मेथॉक्साइड है, क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर क्या है NaI है। एक्चुअल में ये बेस नहीं है, क्लियर। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, D वाला, क्योंकि यही नहीं रीजनेबल। बाकी सब में बेस दिख रहा है हमको, इसमें बेस ही नहीं दिख रहा है, आगे कुछ देखना ही नहीं है तो ये नहीं होगा, बाकी सारे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्या बताया गया, आइडेंटिफाई द रेट ऑफ डी हाइड्रो halogenation in the following compounds when allowed react with alcoholic KOH। क्या बताया गया है, हमको आइडेंटिफाई करना है। अब एल्कोहलिक KOH है, इसका मतलब क्या रहा होगा यहाँ पर, ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है, तो कौन सी रिएक्शन E2 रिएक्शन के अंदर एलिमिनेट हुई होगी, सॉरी E2 एलिमिनेशन के अंदर रही होगी। अब E2 एलिमिनेशन जो हुआ था उसमें जो रिएक्शन मतलब रेट ऑर्डर होगा 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री का होगा वो ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का होगा कम होगा, 3 डिग्री का होगा एल्किल रेट, तो सॉरी 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा तो उसकी रेट ज़्यादा होगी, फेवरेबल कंडीशन उसकी होगी। अगर 2 डिग्री का हो तो उससे कम और 1 डिग्री का हो तो सबसे कम। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो है 3 डिग्री का है, ये कंपाउंड जो है 2 डिग्री का है और ये जो है जस्ट 1 डिग्री का है, क्लियर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, और सबसे कम जो हो जाएगा थर्ड वाला होगा। ऑप्शन आपका ए वाला एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। उम्मीद है आपके बात समझ में आ रही होगी। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए ये स्ट्रांग बेस है, फिर से एक बार एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, ये स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग बेस का E2 एलिमिनेशन इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता था, बेबी एल्किन। और बेबी एल्किन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि जितना ज़्यादा आपके पास एल्किल हैलाइड होगा, बड़ा एल्किल हैलाइड 3 डिग्री का होगा तो बेबी एल्किन जो बनेगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल बनेगी, क्लियर। तो इसका भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इट मीन्स क्या हुआ कि 3 डिग्री का जो एल्किल हैलाइड होगा वो प्रोडक्शन जो होगा उसका प्रोडक्ट मेजर होगा और जल्दी भी होगा, क्लियर। तो 3 डिग्री का ये है, 2 डिग्री का ये है, 1 डिग्री का है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। 1 डिग्री सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगा, क्लियर। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो रिएक्शन दी गई इसका हमको मेजर प्रोडक्ट बताना है, इसमें से क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, क्लियर। अब देखिए एल्कोहलिक KOH दिया गया है, पहली बात तो ये इसमें कहीं पर एल्किन तो दिख ही नहीं रही है हमको, क्लियर। इस वाले में तो ऑप्शन भी तो है ही नहीं, हमको मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्लियर। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, ये वाला हम एलिमिनेशन करा रहे हैं, एडिशन थोड़ी ना किसी का कराएंगे हम, तो यहाँ पर जो OH है ये भी किसी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बाहर होना चाहिए था, क्लियर। अब ऑप्शन या तो A होगा या तो ऑप्शन B होगा। बस देख लें, बात तो तुम्हारा अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि इसमें एल्किन कहीं पर बना ही नहीं है। और दूसरी बात इसमें OH, देखो एलिमिनेशन जब करा रहे थे तो कोई भी कंपाउंड उसमें ऐड नहीं हो रहा था, सिर्फ सब एलिमिनेट हो रहे थे, निकल रहे थे, क्लियर। अब हमारे पास ये बचता है, अब इसकी रिएक्शन करा लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये एक ऑलरेडी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्लियर। अब बचता है यहाँ पर, हाँ दोनों में डबल बॉन्ड दो लगे हैं, खैर कोई बात नहीं। चलिए इसका जब प्रोडक्शन करेंगे तो ब्रोमीन तो यहाँ से जाएगा, क्लियर। ये अल्फा कार्बन परमाणु हो जाएगा और ये बीटा होगा और बीटा ये होगा, क्लियर। अब जब बीटा तो एक बार यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, अगर इस वाले से एलिमिनेट होगा, और दूसरी बार डबल बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा, क्लियर। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया गया है, और जो सी वाला ऑप्शन है उसमें इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाया गया है, क्लियर। अब यहाँ पर ए वाला मेजर होगा या सी वाला मेजर होगा, इसको जानने के लिए हम सेट जैफ रूल लगा देंगे। सेट जैफ रूल ये कहते थे कि उस एल्कीन का मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, क्लियर। सेट जैफ ने ये बताया था कि उस एल्कीन का प्रोडक्शन सबसे मेजर प्रोडक्ट होगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, और स्टेबल एल्कीन वही होगी जिसमें जो है बीटा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हो, क्लियर। कुछ बुकों में इसको अल्फा हाइड्रोजन प्रमोट करते हैं लेकिन वो सही नहीं है, क्लियर। तो हम बीटा हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देखो इस वाले डबल बॉन्ड को तो हम चेकआउट भी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी पोजीशन सेम है, खाली इस डबल बॉन्ड को देखो, ये अल्फा कार्बन परमाणु, ये अल्फा कार्बन परमाणु, इसका जस्ट वाला ये बीटा कार्बन परमाणु। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 बीटा हाइड्रोजन है, वो ए वाले कंपाउंड में सिर्फ 2 बीटा हाइड्रोजन है। नीचे वाले कंपाउंड में देखें तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा है, ये अल्फा और ये बीटा है। अगर हम इसको थोड़ी देर के इधर ना भी देखें तब भी इधर से ही हमको 3 बीटा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में बात आई होगी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला जो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिया गया है आपके पास ये, और इसको क्या बताया गया है, ये दिया गया है आपके पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन दिया गया है और एल्कोहलिक KOH, और इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर बनेगा। क्लियर, देखते हैं यहाँ पर, ये अल्फा कार्बन परमाणु है, बीटा ये है और बीटा ये है। क्लियर, अब देखो यहाँ से अल्फा कार्बन परमाणु इसमें से जब निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक, और अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। अगर यहाँ पर सपोज कर लो डबल बॉन्ड आ जाता, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता सपोज कर लो, तो फिर ये बीटा वाला हो जाता, तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन संख्या 2 होती। अगर यहाँ पर आ जाता तो बीटा हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो जाएगी। समझ नहीं पाए होगे आप, फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए, जैसे इसके इसके भी डबल बॉन्ड, अगर ये इनके भी डबल बॉन्ड बनता तो कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। क्लियर, और अगर इन दोनों के बीच निकलता तब कंपाउंड क्या बनता, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। ये टर्मिनल एल्कीन बन गई जाके देखिए। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन परमाणु, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। टोटल हाइड्रोजन कितने निकल गए, 6 बीटा हाइड्रोजन मिल गया आपको। और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन परमाणु, ये अल्फा कार्बन परमाणु, ये वाला क्या है आपके पास, बीटा है, ये वाला थोड़ी ना बीटा है तो गामा हो जाएगा। तो कितने हैं 2 बीटा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट होगा मेजर होगा। इसका मतलब जो टर्मिनल पर डबल बॉन्ड लगा होगा वो वाला नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो नहीं होगा इसमें से। अब ऑप्शन ए वाला होगा या तो ऑप्शन बी वाला होगा। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन लगा हुआ, फिर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन लगा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या हुआ, ऑप्शन ए एंड बी। अच्छा हाँ, ये cis और ट्रांस लगेगा यहाँ पर। N33 का E होना चाहिए, ठीक। चलिए क्या हुआ, हाँ cis ट्रांस लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट निकल कर आएगा। हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। अब या तो ऑप्शन ए वाला होगा या तो ऑप्शन बी वाला। लेकिन अगर स्ट्रक्चर से देखें तो हमको दूर से लग रहा है ये ए वाला भी स्ट्रक्चर इसी का बना रहा है, बी वाला भी स्ट्रक्चर बना रहा है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर cis और ट्रांस का फॉर्मेट लगेगा। कौन सा फॉर्मेट लगेगा, cis और ट्रांस। आप इसको भी समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर हमारे पास cis और ट्रांस को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एल्कीन इस प्रकार की है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये CH3, ये एल्कीन हो गया। और अगर यही एल्कीन इस तरीके से हो, इधर देखिए दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड है, CH3 एक ही साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 10 अपोजिट साइड है, मेथिल ग्रुप भी अपोजिट साइड है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। बात समझ में आई। और आपको पता है अगर स्टेबिलिटी की बात किया, मेजॉरिटी की बात की जाए तो ट्रांस जो होगा वो हमेशा सिस से मेजर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बात अगर मेजर की बात की जाए कि मेजर कौन होगा, जो ट्रांस कंपाउंड होगा वो सिस से हमेशा मतलब मेजर होगा। क्लियर, तो आइए देखते हैं अपने उस क्वेश्चन में क्या बता रहा था। तो यहाँ पर देखिए, अब ये वाला कंपाउंड जो है ट्रांस और ये वाला कंपाउंड क्या है, सिस है। ये वाला कंपाउंड क्या है, ट्रांस, और ये वाला कंपाउंड क्या है, सिस है। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, और ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको समझते हुए चलिएगा आप लोग। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये भी बताया गया है, CH3 CBrH CH3 CH2 और फिर एल्कोहलिक KOH मेजर E2 एलिमिनेशन दिया गया है। सिंपल सी बात है, हमको ये दिया गया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया गया। क्लियर। अब हमको ये बताना है कि ब्यूट 1 बनेगा या ब्यूट 2 बनेगा या ब्यूटेन बनेगा या ब्यूटाइन बनेगा। देखिए सिंपल सी बात है, ना ही ब्यूटाइन बनेगा और ना ही ब्यूटेन बनेगा, क्लियर, क्योंकि एलिमिनेशन करा रहे हैं। एलिमिनेशन जब एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन कराएंगे तो हमको एल्किन प्राप्त होगी, ना एल्काइन प्राप्त होगी ना एल्केन प्राप्त होगा, क्लियर। चलिए दो ऑप्शन तो हमने देखते ही मतलब ऐसे ही हटा दिए, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाया और दो ऑप्शन हट गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन हमारे पास या तो ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, आप स्ट्रक्चर बनाकर भी देख सकते हैं कि ब्यूटीन जो 1 होगा वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ब्यूटीन 2 जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन बात ये नहीं समझ में आई, आइए चल के देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे हमारे पास ये है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारे पास अल्फा कार्बन परमाणु हो गया, ये बीटा कार्बन परमाणु है और ये बीटा कार्बन परमाणु है। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेशन करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें एलिमिनेशन देखो किस प्रकार से होगा। पहली बात इनके इनके बीच करा, ये हाइड्रोजन इसका ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। एक तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर इस अल्फा और बीटा का एलिमिनेशन हुआ तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या है CH, क्लियर। अब आप एलिमिनेशन देख लीजिए किसमें कहाँ पर जाता, सॉरी ये अल्फा कार्बन परमाणु है, ये भी अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन परमाणु है, तो यहाँ पर टोटल बीटा हाइड्रोजन कितने, 2 बीटा हाइड्रोजन, क्लियर। और यहाँ पर देख लीजिए ये अल्फा कार्बन परमाणु, ये अल्फा और ये बीटा है और ये वाला भी बीटा कार्बन परमाणु है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 बीटा हाइड्रोजन, क्लियर। अब देख लीजिए इसका मतलब ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा, तो ये तो ब्यूटीन 1 है और ये ब्यूटीन 2 है, तो ब्यूटीन 2 आपका क्या होगा, मेजर होगा। ब्यूटीन 1 जो है माइनर होगा, वो मेजर नहीं होगा, क्लियर है। हालांकि प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, ब्यूटीन 1 भी बनेगा और ब्यूटीन 2 भी बनेगा, लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, मेजर प्रोडक्ट। अगर यहीं पर यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा होता कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपका ऑप्शन ए एंड बी बोथ हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास ब्यूटीन 1 भी बन रहा है और ब्यूटीन 2 भी बन रहा है, क्लियर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बता रहा है, विच एल्किल ब्रोमाइड विल यील्ड ओनली 1 एल्किन इन E2 एलिमिनेशन। आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा एल्किल ब्रोमाइड जो होगा E2 एलिमिनेशन के दौरान सिर्फ एक एल्किन का प्रोडक्शन देगा, क्लियर। चलिए बात करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन वाइज चेक करते हुए चलते हैं। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये बीटा कार्बन हो जाएगा और ये बीटा कार्बन हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर जो ये वाला कार्बन होगा और यहाँ पर एक कार्बन होगा, अगर यहाँ से अगर हम एलिमिनेट करेंगे, एक बार चेक कर लें, जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा जब आंसर पता रहेगा। 140 बी, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ से ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन परमाणु, ये बीटा कार्बन परमाणु है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, अगर यहाँ से एलिमिनेट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, क्लियर। तो इसका मतलब इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसके कितने प्रोडक्ट, दोनों एल्किनें अलग अलग आएंगी, दोनों एल्किनें क्या होंगी, अलग अलग आएंगी। तो ऑप्शन ये वाला तो नहीं हो सकता, हमको सिर्फ ऐसा कंपाउंड बताना जो सिर्फ 1 एल्किन दे। अब इस वाले ऑप्शन सी को सर्च कर लो, ये आपके पास अल्फा कार्बन परमाणु है, ये बीटा कार्बन परमाणु हो जाएगा और ये बीटा कार्बन परमाणु हो जाएगा। यहाँ से जब अल्फा और बीटा के बीच एलिमिनेशन होगा तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा, ये टर्मिनल एल्किन बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा अगर आप कराओगे इसी में इसके बीच, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी बन सकता है, इसके भी 2 कंपाउंड हो गए, ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी आपके पास देखते हैं, ये आपके पास अल्फा कार्बन परमाणु है, ये बीटा कार्बन परमाणु है, सॉरी ये अल्फा कार्बन परमाणु है, ठीक, ओके, और ये बीटा कार्बन परमाणु है, बीटा कार्बन परमाणु यहाँ पर भी है, बीटा कार्बन परमाणु यहाँ पर भी है, क्लियर। जब आप इसका एलिमिनेशन करोगे, इसके भी एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, बिना हम सॉल्व किए भी सॉल्व कर लेंगे। अब चाहे आप देख लीजिए, ये आपके पास अल्फा कार्बन परमाणु हो जाएगा और ये बीटा कार्बन परमाणु हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बीटा कार्बन परमाणु एक ही है। बीटा कार्बन परमाणु कितने हैं? एक है, तो प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है सिर्फ एक बनेगा। क्लियर? समझ में आया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? बी वाला हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है। ये आपके पास कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड ए दिया गया, कंपाउंड बी दिया गया और कंपाउंड सी दिया गया है, और आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ए बी सी टुवर्ड्स ई टू एलिमिनेशन। देखिए यहाँ पर आप ये क्वेश्चन तभी टैकल कर पाओगे जब आपको ई टू एलिमिनेशन में एल्किल हैलाइड के रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होगा, और हमने आपको बताया था क्योंकि वहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बन रहा था? बेबी एल्किन बन रहा था। क्लियर? तो यहाँ पर जो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर? इसका मतलब ऑप्शन जो सी होगा वो सबसे बाद में होगा, और ऑप्शन सी सबसे बाद में ए में दिया गया है और बी में दिया गया। इसका मतलब ये तो तय है कि ऑप्शन सी और डी किसी भी कीमत पर नहीं होने वाले हैं। क्लियर? अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। देखिए ये कंपाउंड किस डिग्री का है? 3 डिग्री का है, और ये कंपाउंड किस डिग्री का है? 2 डिग्री का। ये कंपाउंड किस डिग्री का है? 1 डिग्री का है। क्लियर? अच्छा, आप डिग्री कैसे पहचानते हैं? जो है जैसे है, ये ब्रोमीन लगा हुआ है, एक्चुअल ब्रोमीन इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में अगर देखें तो कुछ इस प्रकार होगा। एक का देख लीजिए, चाहे इसका, चलो इसका ही बता दे रहा हूँ। जैसे ये CH3 CH और ये CH3 और ये ब्रोमीन, ये Br लगा हुआ है। अब देखिए ये ब्रोमीन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ वो कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। अगर वो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता तो प्राइमरी हो जाता, 1st डिग्री का। देखिए जैसे यहाँ पर ब्रोमीन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 1st डिग्री। और यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? एक इस कार्बन परमाणु से, दूसरा इस कार्बन परमाणु, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। तो ए सबसे ज़्यादा होगा, बी उसके बाद, और सी सबसे कम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। क्लियर? चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो लग रहा है वही क्वेश्चन हो गया, टाइप हो गया। इसमें भी क्या है? हाँ, इसमें क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए, E1 के अकॉर्डिंग बात की जाए, और E1 और E2 में एलिमिनेट ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, नो डाउट अबाउट। चाहे E1 पूछ रहा होता या E2 पूछ रहा होता कि दोनों में क्या है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, SN1 E1 एंड E2 इनकी अगर ऑर्डर की बात की जाए तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। सिर्फ SN2 जो होता है उसका ऑर्डर थोड़ा अलग होता है, वो 1st डिग्री 3 डिग्री। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। SN1 E1 और E2 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और SN2 किस पर डिपेंड करता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्लियर? आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो शायद आज का आखिरी क्वेश्चन था और समाप्त हो गया। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एनर्जेटिक सेशन लगा होगा, पढ़कर आपको बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही होगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद।